दान भी नहीं करना चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब कहते हैं महाराज कोई आ जाए तो, बोले कोई आ जाए तो आपको एक काम करना चाहिए, उसे फल खिला देना चाहिए, उसे दूध पिला देना चाहिए, लेकिन अन्नदान एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। नामदेव जी महाराज की निष्ठा एकादशी में भी बहुत थी, इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी एकादशी में कि खुद भी व्रत रखते थे, बच्चे भी व्रत रखते थे, पत्नी भी व्रत रखती थी, और कोई आ जाए तो उसको भी व्रत करवाते थे, गलती से भी किसी को अन्न नहीं देते थे उस दिन, और कोई आ भी जाए जैसे कि हमें भूख लग रही तो उसे दूध दे देते थे, फल देते थे, अन्न नहीं देते थे। एक दिन की बात महाराज, ये चर्चा जग विदित हो गई कि एकादशी कोई किसी को भोजन नहीं कराता। एक दिन भगवान को लगा कि अपने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए, अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण बनकर नामदेव जी के पास में पहुंचे और बूढ़े ब्राह्मण बनकर जब नामदेव जी के पास में पहुंचे, एकदम बूढ़े, चला ना जाए ऐसे चल रहे थे धीरे 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 धीरे, और द्वार पर पहुंच कर कहने लगे, अरे नामदेव जी हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? कई दिन से हमने अन्न ग्रहण नहीं किया है, भूख लग रही है, कुछ भोजन करा दो। अभी तो ऐसी स्थिति है कि अगर तुमने भोजन नहीं कराया तो हो सकता है हमारे आज कल में प्राण निकल जाए, अब ही प्राण निकल जाए। नामदेव जी बोले, महाराज कितने साल के हो गए? बोले 125 साल गए। बोले आज ही प्राण निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है, आज एकादशी है, व्रत नहीं रखे हो? बोले व्रत तो नहीं है, अब आयु इतनी हो गई है, अब कहां व्रत रहा जाएगा, अब तो अन्न दे दो तो प्राण बचे। बोले महाराज हमारा तो नियम है एकादशी के दिन हम किसी को अन्न नहीं देते। अरे तुम नहीं दोगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। बोले तो अच्छी बात है, एकादशी है, आज के दिन तो भगवान के द्वार, धाम के द्वार खुले रहते हैं, चले जाओ। अरे नहीं नहीं नामदेव, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, क्या तुम हमें अन्न भी नहीं दे सकते, भोजन नहीं करा सकते? अब तो महाराज गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए, कोई बूढ़ा बाबा आया है ब्राह्मण देव कोई, और नामदेव भोजन नहीं करा रहा है, तो ऐसे समय में जब ऐसी स्थिति हो जाए तो तमाशगीन तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। आगे अरे 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 महाराज महाराज महाराज, कोई बोले हम ब्राह्मण है हमारे यहाँ चलो हम भोजन कराएंगे, कोई कहे महाराज हमारे यहाँ चलो, वो बूढ़े ब्राह्मण बोले भोजन करेंगे तो इन्हीं के यहाँ करेंगे, नहीं तो यहीं मरेंगे, इन्हीं की चौकट पे मरेंगे, इन्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। अगर इन्होंने हमें भोजन नहीं कराया तो हम इन्हीं की चौकट पे मरेंगे और इनको ब्रह्म हत्या लगेगी। नामदेव जी बोले दूध पी लो, बोले नहीं भोजन चाहिए। नामदेव जी बोले फ्रूट खा लो, कुछ फल खा लो, बोले नहीं नहीं हमें तो अन्न ही चाहिए। बोले तो महाराज हमारा तो नियम है अन्न तो हम नहीं देंगे। बोले हम मर जाएंगे तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले जैसी आपकी कृपा, आप जो चाहे सो करें। और महाराज ठाकुर जी आए तो थे परीक्षा लेने, जब ठाकुर जी लुढ़क गए ठाकुर जी, प्राण छोड़ दिए अपने। अब तो गांव वाले लोग बोले अरे राम 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 राम, अरे ये तो नाम का साधु, वैसे ही भक्त बनता है, ये कुछ नहीं जानता, देखो ब्राह्मण मर गया, ब्राह्मण इसे ब्रह्म हत्या लग गई, इसे ब्रह्म हत्या लग गई, हम इसे अपने समाज से निकालते, हम अपने गांव से निकालते, न जाने क्या क्या बोल दिया सबने। और नामदेव जी वहीं बैठ के नाम जपते रहे, सब बोल बाल के चले गए, उन पर कोई फर्क नहीं, वो बैठे रहे। अब सुबह हुआ और ब्राह्मण देव वहीं पड़े चौकट पे ही गए, वो ऐसे ही पड़े। नामदेव जी सुबह हुआ,
सुबह होते ही जब परायण के समय आया तो अपने बच्चों को पत्नी को बुलाए, इधर आओ। बोले हाँ। बोले देखो अब एकासी हो गई पूरी। बोले हाँ। अब हमको लग गई ब्रह्महत्या, भाई ब्राह्मण हमारी वजह से चले गए तो हमको ब्रह्महत्या लग गई। बोले फिर? बोले तो अब यह है कि हम अपना शरीर अग्नि में समर्पित कर देंगे, जलती हुई अग्नि में शरीर त्याग देंगे, क्योंकि हमारे कारण ब्राह्मण को ऐसा हुआ। पत्नी बोली मैं भी आपके साथ चलूंगी। बच्चे बोले हम भी आप ही के साथ चलेंगे। बोले तो अच्छी बात है, गांव वालों ने हमको त्याग दिया, हमें पूछेगा ही कौन, अब चलो अग्नि के हवाले हो जाते। सब बड़ी सी चिता बनाओ, उसी चिता में इनको समर्पित करेंगे, ब्राह्मण देवता यहीं पड़े और हम भी उसी चिता में समा जाएंगे। एक बहुत बड़ी चिता बनाई गई, बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी चिता बनाकर उस चिता में पहले ब्राह्मण देव को विराजमान कराया, पधराया, और फिर स्वयं नामदेव जी उस चिता में प्रवेश करने लगे। जैसे ही अचगाम वाले इकट्ठे हो गए, देखो नामदेव जा रहा है, नामदेव जा रहा है, पूरा घर अग्नि में भस्मभूत हो रहा है, तो सब लोग तमाशा देखने के लिए आ गए। और जब अग्नि प्रज्वलित हुई और जब ब्राह्मण देवता को थोड़ी सी झड़प लगी, झट ब्राह्मण देवता उठ गए और उठकर खड़े हो गए और नामदेव को भी बाहर खींच लाए। नामदेव को भी ले आए और नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। नामदेव जी से कहने लगे आज हम तुम्हारी एकादशी की निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो, क्या गजब की एकादशी की निष्ठा है कि अन्न किसी को नहीं देना है, चाहे हमें प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। वाह नामदेव तुम धन्य हो। आप सब बताइए हमारी नाम में निष्ठा है? जिस दिन बिजी होते हैं उस दिन नाम छोड़ देते हैं। हमारी तुलसी में निष्ठा है? जिस दिन कहीं जाना होता उस दिन तुलसी का दीपक भी जलाना भूल जाते हैं। हमारी एकादशी में निष्ठा है क्या? जरूरत पड़ने पर वो व्रत भी नहीं करते। आपको अगर अपने भगवान से प्रेम है, भगवान को पाने की इच्छा है, तो एक निष्ठा अवश्य बना लीजिए। और हमको लगता है कि अगर तुम भागवत निष्ठा ही बना लो कि जहां भी होगी हम कथा में पहुंच जाएंगे, इतनी निष्ठा भी हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। ऐसे धीरे से काम नहीं चलेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो ये है भक्तों के लिए, भगवान क्या नहीं करते, पर भगवान भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं।